कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तराखंड के सह प्रभारी राजेश धर्माणी ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी में प्रधान हटाओ प्रधान बनाओ की राजनीति में उलझी कांग्रेस को एकजुट होकर लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल का डटकर मुकाबला करने की रणनीति तैयार करने की सलाह दी। ये सलाह एक राष्ट्रीय सचिव के नाते नहीं बल्कि एक आम कार्यकर्ता के नाते दी। धर्माणी का मानना है कि ये समय आपस में उलझने का नहीं बल्कि कमर तोड़ महंगाई सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर फोकस करने का है। साथ ही उन्होंने बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लटकने पर न केवल रोष प्रकट किया बल्कि केंद्र व राज्य सरकार की सुस्ती पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से कीरतपुर नेरचौक फोर लाइन का कार्य लटका हुआ है, कंपनी काम छोड़कर चली गई है और केंद्र की मोदी सरकार का इस ओर जरा भी ध्यान नहीं है, जिसके चलते हर महीने करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। बेहतर होगा कि इस कार्य को केंद्र सरकार अपने हाथों में लेकर एक निश्चित अवधि के अंदर इसे पूरा करे। यदि जल्द से जल्द ये काम पूरा ना हुआ तो कांग्रेस एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने पर विवश होगी। सांसद महोदय की कार्यप्रणाली तो नित्य दिन अखबारों में छपती है, लेकिन जिला बिलासपुर में तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो परियोजनाएं स्वीकृत थी, है ना, हमारा अपीडा का जो है कोल्ड स्टोर और पैक हाउस बना रहे हैं, उस पर आज दिन तक उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। रीजनल सेरिकल्चर रिसर्च स्टेशन अनंत शर्मा जी ने खुलवाया था, उसको छोटा उसका साइज कर दिया, REC का उसका दर्जा दे दिया, जबकि RSR से बड़ा एक स्थान होता रिसर्च स्टेशन, और उस पर उनका कोई बयान नहीं आया। हमारी में हमारे केंद्रीय विद्यालय खोला है, उसके लिए कोई धन उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे उसका बिल्डिंग का वहाँ पे कम्प्लेक्स बनाया जा सकता। हमारे यहाँ हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, उसके बारे में बड़ी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की गई, उसकी तरफ कोई प्रयास नहीं हो रहा है। और एम्स को लेकर तो बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ क्योंकि केंद्रीय मंत्री हमारे जिला से, यहाँ पे डेंगू का इतना बड़ा प्रकोप हुआ है, पहली बार हुआ है ना, उसकी तरफ कोई गंभीर प्रयास जो है वो ना तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से हुआ ना प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है ना। और मुझे जैसा जानकारी मिली है कि डेंगू जो सेकेंड ईयर है इसका, उसमें बहुत खतरनाक होता है फर्स्ट जो खतरनाक होता है, लेकिन सेकेंड स्टेज में तो बहुत खतरनाक है। तो इसकी तरफ स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से कोई मतलब प्रयास नहीं किए, बड़ा दुखदायी है। दो मृत्यु भी हो चुकी है और कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल तक महामारी की तरह जो है वो फैलना शुरू हो जाए। और दूसरी ये है कि यहाँ पे जो एम्स खोला गया, खोला प्रस्तावित था, जो खोला था नहीं गया, और इसके लिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री थे हमारे वीरभद्र सिंह जी, उस टाइम उन कैबिनेट में ये फैसला किया था कि बिलासपुर में खोला जाएगा। हम सब लोगों की भी उस दिन उनके साथ मीटिंग हुई जिस दिन ये कैबिनेट से फैसला लिया, सबने अनुरोध किया कि बिलासपुर में दिया जाए, जमीन हमारे पास उपलब्ध है। और लेकिन अब केंद्रीय जो मंत्री हैं, हमें उनसे ज़्यादा उम्मीद थी कि ये इसकी OPD जो है वो इमिजिएटली स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कोई इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि भवन बनेगा उसके बाद होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी, चाहे हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज है, चाहे चंबा का मेडिकल कॉलेज है, चाहे सिरमौर नाहन का मेडिकल कॉलेज है, इनका अपना कोई अभी परिसर नहीं बना है, लेकिन इनके जो इसकी OPD भी स्टार्ट हो गई है, इसकी जो MBBS की क्लासेज है वो भी स्टार्ट हो गई है, फंक्शनल हो गए हैं। तो फिलहाल रेंटेड अकोमोडेशन में इसको स्टार्ट कर दें, और कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार करते करते इनकी सरकार जो है उसको वो छुट्टी हो जाए और बाद में बोले जी अब हमारी सरकार नहीं रही, है ना। तो इस तरह का बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए और इसको इसकी तरफ जो है गंभीरता से इसकी तरफ जो है वो प्रयास और कदम उठाने चाहिए। यहाँ पे गतिविधियाँ करवाई जाएंगी क्या? पार्टी तो पहले से ही इसमें काम पे लगी है, जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं कार्यकर्ताओं के, और जहाँ धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है वो हो रहा है। और जो मोदी जी ने जो वायदे 2014 के चुनावों के समय में किए थे उनको जनता के सामने ला रहे हैं, क्योंकि एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। महंगाई ख़त्म करने की बात कही थी, लेकिन आज तो महंगाई पहले से 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई, और लोगों के साथ पूरी तरह से आज भी वही छलावा जो है 2014 का जो है रचने की कोशिश कर रहे हैं। आज हैरानी की बात है कि मोदी जी 2019 की बात नहीं कर रहे हैं, या अपने जो 2014 से 19 तक की उपलब्धियां उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब 2022 के सपने दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो
यूनाइटेड नेशंस ने जो अपने एनवायरमेंटल गोल्स जो फिक्स किए हैं पूरे दुनिया के लिए, और उसमें क्योंकि इंडिया भी उसमें एक महत्वपूर्ण जो है वो मेंबर है, तो उसका क्रेडिट लेने के उद्देश्य से कि वो गोल अचीव हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये एजेंडा है तो वो अचीव हो जाएंगे, तो उसको हम अपनी पार्टी की और सरकार की जो है उपलब्धि बता देंगे। तो इस तरह की चलाकी जो है अपने लोगों के साथ करेंगे, अपने देशवासियों के साथ करेंगे, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। और नित नए भाषण, नित नए वायदे, नित नए जुमले जो हैं, यही मोदी जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। एक भी उपलब्धि उनके नाम से नहीं है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से रिशु प्रभाकर की रिपोर्ट। मैं अजय सिंह ठाकुर, श्रीमती कांता देवी बेलफेयर सोसाइटी और राजेंद्र सिंह गौशाला की तरफ से पूरे ऊना वासियों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को दशहरे की और दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। माता नैना देवी, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती हम सभी पर कृपा बनाए रखें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आशीष शर्मा, श्री कृष्णा चिल्ड्रन हॉस्पिटल बच्चों के अस्पताल से देश और प्रदेश वासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सर जी सिंह चला एम डी विंग्स इंडिया वायरलेस स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऊना की तरफ से प्रदेश और ऊना निवासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कुमार लवली एंड पार्टी, सारे म्यूजिकल ग्रुप, अपने सहयोगियों, अपने साथियों, अपने परिवार की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, हिमाचल एक्सप्रेस टीम को दशहरे व नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं विवेक शर्मा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी ऊना। मैं समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को अपने तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। और इस पर्व को लोग जो है ये इस दिन एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी, तो लोग जो है इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मैं अपने तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह राणा, कैंसर केयर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऊना। हमारे समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को विजयलक्ष्मी दिवस पर शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर रमन शर्मा, सीएमओ ऊना। पूरे देश को और प्रदेश के वासियों को नवदशमी पे, दशहरा पे शुभकामनाएं देता हूँ और सब मंगलमय रहें और लोग जो है पटाखों से और उनसे थोड़ा सा अपना परहेज करें और सुरक्षा से इसको मनाएं। सब मेरी शुभकामनाएं और अभिनंदन। मैं डॉक्टर टी बंसल, ऑर्थो स्पेशलिस्ट, आप सभी देश और प्रदेश वासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जितेंद्र शर्मा, सीनियर रीजनल मैनेजर रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऊना मल्टी स्टेट की तरफ से देशवासियों और प्रदेशवासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में जो नवरात्रों का ये पर्व हमारा चला हुआ है, इसके लिए जो हमारा बुराई पर अच्छाई की जीत भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर जो जीत प्राप्त की थी, मैं अपनी ओर से प्रदेश की जनता को, विशेषकर पालमपुर की जनता को दशहरे के पर्व के ऊपर हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और साथ में कामना करता हूँ कि ये जो बुराई पर अच्छाई की जीत है ये हम अपने अंदर भी ग्रहण करें। ऐसा मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बुराई को जड़ से ख़त्म करने के लिए हर कोई आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से दशहरे की हार्दिक शुभकामना।